तो गाइस मोहन जोदाड़ो वाला जो मूवी था ऋतिक रोशन का, यहाँ पे देखना, यहीं पे शूटिंग हुआ था। भाई सब बता रहे हैं जी हाँ, सामने पर सामने वहाँ पे शूटिंग हुआ था। मगरमच्छ के साथ फाइट करता है ऋतिक रोशन यहीं पर। देखो ऊंचा वाला पहाड़, गोल्डन मार्बल देखो, सुनहरा पत्थर, मेघानाथ गोल्ड, सेकंड मूवी जलजला पिक्चर यहीं पर आवारा पिक्चर शूटिंग हुआ। राजकपूर नरगिस पुराना पिक्चर है। अच्छा चांद एक पत्थर। और जो पानी देख रहे हो ना आप लोग, ये पीने वाला साफ पानी नदी नर्मदा का है। साफ पानी है देखो भैया सामने जो होटल, वो जम्मू कश्मीर बीच में निकला पत्थर, एमपी और श्रीलंका में देखो सभी खड़े हैं। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2 और जबलपुर में हमारा आज आखिरी दिन है। तकरीबन 2 दिन रुके थे और आज हमारा तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा चलो जबलपुर में फिर से कोई एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चलता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ, सफ़र करवाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग निकल पड़े हैं पंचवटी मंदिर के लिए, क्योंकि अगले बार मैंने पंचवटी मंदिर के लिए जब मैं आया था तो बोटिंग नहीं दिखा पाया था। और यहाँ पे मार्बल रॉक्स है जो कि रात में काफ़ी खूबसूरत लगती है, वैसे दिन में भी अच्छी लगती है। तो चलते हैं, आपको बोटिंग के सफ़र भी कराते हैं पंचवटी में और मार्बल्स भी दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखो सामने में कितनी प्यारी मंदिर है, पंचमठा मंदिर नाम है इसका। तो गाइस ये रहा पंचवटी, देख सकते हो कुछ ऐसा है आगे का फ्रंट व्यू। यहाँ से एंट्री होती है जो आप वहाँ पे देख रहे हो, नौका विहार प्रवेश द्वार। कल गर्मी में गाइस एक गोले ना काफ़ी राहत देते हैं, यहाँ पे भाई साहब बना रहे थे, काफ़ी मस्त गोला बना हुआ है, टेस्टी है। तो फिलहाल गाइस हम लोग पंचवटी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से एंट्री है और एक कुछ दुकानें हैं यहाँ पर। खाली शिव भगवान की शिवलिंग दिखेगी और बहुत सारे मूर्तियाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पंचवटी में। फिलहाल गाइस हम लोग पंचवटी घाट के एकदम नीचे आ गए हैं जहाँ से टिकट कटाना पड़ेगा। तो पंचवटी घाट एक्चुअल में रेलवे स्टेशन यानी जबलपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। अगर आप बस वाले से बेड़ा घाट बोलोगे ना तो आपको पंचवटी तक पहुँचा देगा। फिलहाल हम टिकट कटाते हैं। तो फिलहाल गाइस हमने 2 टिकट कटा लिया यहाँ पे, 100 रुपये की पर टिकट पड़ी। मैं और अमनदीप जा रहा हूँ तो 200 रुपये लगा लगभग। तो यहाँ पे नाव पे बैठते हैं हम लोग। तो भाई पकड़े रहना, चलो भाई। तो आ गया है यहाँ पे हम लोग, अब बोट में बैठ चुके हैं और ये रही टिकट हमारी। लाइफ जैकेट भी मैंने ले ली अपनी यहाँ पर सेफ्टी के लिए। और अमनदीप का लाइफ जैकेट देखो, बैग है। तो वहाँ पे देखो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जो मार्बल्स आपको दिख रहे हैं उसके अंदर में 3 किलोमीटर अंदर में जाएंगे हम लोग। मार्बल रॉक का रात का व्यू सबसे अमेजिंग लगता है देखने में, क्योंकि यहाँ पे ना रॉक से ऊपर लाइट जला दी जाती है जिसके चलते एक अलग ही व्यू आता है। तो यहाँ पे अपनी नाव निकल गई है सफर के लिए। यहाँ पे देखो तो गाइस सफर यहाँ पे शुरू हो चुकी है और हम लोग चल रहे हैं मार्बल्स रॉक की तरफ। हाँ अब बताएंगे भैया सब डिटेल्स में। नदी के बीचों बीच तो इस नाव में हमारे भैया गाइड हैं जो हमें डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर देखो मिल रहा है, यहाँ पर काफी मस्त व्यू लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे भोलेनाथ है। जय जय। हाँ अच्छा कितना अंदर है ये, कितना कितना किलोमीटर अंदर है? 1 किलोमीटर अंदर जाता है यहाँ से बोट। अच्छा 2 किलोमीटर का राउंड। 2 किलोमीटर का राउंड, लेकिन पिछले दिन आए थे 3 किलोमीटर बोल रहा था अंदर जाता है। अंदर जाता है या पानी ज्यादा रहता है? अभी पानी कम है ना भाई साहब। अच्छा हम लोग रिस्क वाला काम नहीं करते। अच्छा हाँ सही है। इस साइड देखा लाइट ब्लू मार्बल, देखो दूसरी साइड ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट तो ऊपर का मार्बल काली मिट्टी लगने से काला, तोड़ने पर व्हाइट। नदी में गहराई आ गई 220 फीट। यहाँ पर जगह आने पर बोलता है गाइड, देखो इस साइड गड्ढे का एक हिंदी पिक्चर का शूटिंग निकाला है, प्राण जाए पर बचन ना जाए। यहीं पर आए थे सुनील दत्त प्रेमनाथ, साथ में आई थी रेखा, सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को यहीं पर उठा के फेंका भाई। तो देखो डायलॉग सुनो, पत्थर भी बैंड।
तो ये ब्लैक मार्बल्स है। गुलाबी कलर देखो इधर, ये घास के पास देखो आप लोग, पिंक मार्बल। घास के पास पिंक मार्बल। बैठी थी रेखा, साड़ी का कलर देखा उतनी जगह ना पिंक हो गई। साड़ी बॉम्बे की थी इसलिए कलर चला गया है। जबलपुर की साड़ी होती, साड़ी फट जाती पर कलर नहीं जाता। साड़ी का कलर कच्चा मार्बल हो गया पक्का, देखने में लग रहा अच्छा। और छुट्टी पर रेखा के चच्चा बहुत चला रहा, रेखा का बच्चा वो पीछे पर। तो ये आप जो देख रहे हो ब्लैक मार्बल्स हैं और वहाँ पे ब्लू मार्बल्स आप देख रहे हो। अभी आ गई है भूल भुलैया, बताओ कहाँ जाएगी नैया, लेफ्ट के राइट? राइट पूछ रहा है गाइड, सही बताने वाले को बम्पर पे राइट, बताओ साइड के साइड लेफ्ट राइट? राइट। अच्छा तो फिर ले लो बम्पर राइट, जो बोलेगा सही उनको उतारने से। यहाँ पे देखो नाइट बोटिंग के लिए यहाँ पे बॉक्स लाइटिंग दी गई है ना, मैंने बोला था रात को यहाँ पे बोटिंग होती है, नाइट बोटिंग। तो ये सब ब्लैक रॉक्स है और अभी आगे में मैंने आपको ब्लू रॉक्स दिखाया और यहाँ पे देखो व्हाइट रॉक्स। सिलेटी मार्बल देखो उधर उस साइड पर, ग्रे स्टोन जिसमें ना पहले के बच्चों की सिलेट पार्टियां बनाई जाती थी। सिलेटी अच्छा, पहले के बच्चे लोग पढ़ते लिखते थे। तो गाइस वो मार्बल जो देख रहे हो, जो स्लेट बनता था चौक से हम लोग लिखते थे, तो उस मार्बल से बनता था। बच्चे लोग मारते नकल, नहीं आती अकल, देखते हैं फिल्में बिगाड़ लेते शकल, बाद में आती पर धीरे से अकल, अकल आ जाती बाद में शादी के बाद, बीवी सुधार देती सबको ऐसा। बोट के सामने का देखो ऊंचा वाला पहाड़, गोल्डन मार्बल देखो सुनहरा पत्थर, मेगानास गोल्ड सेकंड मूवी जलजला पिक्चर, धर्मेंद्र नैनी शत्रुघ्न सिन्हा जंपिंदा टॉप पर बोझम नहीं लगाते हैं, पुतले फेंके जाते हैं, बोझम लगाएंगे यहाँ पर दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे। नदी में ना गहरा होटल मोटल रुकने का लगता है वहाँ पर 2990 का, यहीं पर हमारा पिक्चर शूटिंग हुआ, राज कपूर नरगिस पुराना पिक्चर है। अच्छा, चांद एक पर्दे वाली बोट के ऊपर यहीं गाना होता है, दम भर जो धर्म फिरे वो चंदा, हम उनसे प्यार कर लेंगे बातें हजार। फिल्म को हो गया 50 साल पुराना, राज कपूर नरगिस ने गाया था गाना, इस समय दोनों ऊपर रवाना वही मिलकर गा रहा गाना। ऊपर में लगा है लाइट जो चल रहा है इस समय नाइट, चांदनी रातों पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ नाइट बोटिंग चालू हो गया है, आज भी चलेगा, 3 दिन हो गया है। और जो पानी देख रहा ना आप लोग, ये पीने वाला साफ पानी नदी नर्मदा का है, साफ पानी है देखने में गिरी। तो गाइस ये पानी इतना क्लीन है जैसा कि इन्होंने बताया कि आप इसे पी भी सकते हो, देखता हूँ टेस्ट कैसा है इस पानी का। ऐसा ही है टेस्ट, एकदम फिल्टर जैसा होता है वैसा ही है। हार्ड मार्बल में देखो आप लोग छेद लगाओ, बहुत ज्यादा साफ पानी है, सारे हार्ड मार्बल में छेद है। तो यहाँ पे मार्बल में रॉक्स में देखो यहाँ पे बहुत सारे होल्स है। देखो टॉप पर एक पत्थर की कार लिखा जिसमें भयंकर राजकुमार, कहाँ पर देखो आप लोग, चक्के नहीं चार पड़ी लेकर जिसको चाहिए ले लो, कार का अगला पहिया जैक के ऊपर, टायर पंचर, स्टेपनी नहीं है, गाड़ी अपनी नहीं है, दिख गई कार। हाँ भैया ना देखिए तो उंगली मत दिखाना, आप चालू हो जाती सेल्फ स्टार्ट। और इधर साइड में देखो आप लोग झाड़ी पर दिख रहा है कुछ, देखो थोड़ा ध्यान से क्या दिख रहा है, झाड़ी पर देखो ना, झाड़ी पर बताओ आप लोग किसी को देखा, बहुत खास चीज देखो आप लोग झाड़ी पर, झाड़ी पर नहीं कुछ नहीं दिखा, नहीं दिखा, बता दीजिए। साइड पर अभी देखो गिरे हुए पत्थर, यही निकलते हैं मगरमच्छ। अच्छा यहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं मगर। तो भाई कुछ ऐसा व्यू है मार्बल रॉक्स के अंदर, काफी आ चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर पानी देखो कितनी क्लीन है, नीचे की जमीन दिख रही है। साधु छुट्टी पर प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, कन्हैया की जय, बोट चलाने वाले भैया की जय। जय लगता बंद कर देते नहीं नहीं बहुत अच्छे कमेंट्री कर रहे हैं आप भैया, बताना पड़ता ना आप लोग क्या ना बैठे बैठे हो जाते हैं, बोल लाइन समझाएंगे आप लोग ना बोलो तो ढोर, इसलिए बताना पड़ता है। हाँ 1 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर लगभग आ गया। और यहाँ से देखो क्या व्यू है भाई, क्या नज़ारा, ब्लैक रॉक्स व्हाइट रॉक्स ब्लू रॉक्स सब यहाँ पे हैं। फोटो वगैरह निकालो यहाँ से, अच्छा लगा सबको, बहुत अच्छा लगा जी, बता देना जिसको अच्छा नहीं लगता यहीं छोड़ के चले जाते, जिसको अच्छा नहीं लगा पानी में उतार दो।
तो गाइस मोहन जोदाड़ो वाला जो मूवी था ऋतिक रोशन का, यहाँ पे देखना यहीं पे शूटिंग हुआ था, भाई सब बता रहे हैं। जी हाँ, सामने पर सामने वहाँ पे शूटिंग हुआ था। मगरमच्छ के साथ फाइट करता है ऋतिक रोशन यहीं पर, बाकी असली का मगरमच्छ नहीं रहता, नकली का रहता है। तो यही ऋतिक रोशन नहीं रहता, तो फिर ऋतिक रोशन नहीं रहता। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर, काफी मस्त व्यू दिख रहा है। अब आप लोगों को दिखाएंगे भारत का नक्शा। भारत का नक्शा संगमरमरीय वादियों में निर्मित भारत का नक्शा, जो ड्रोन कैमरे से फोटो निकाल के बताया गया, फ्लेक्स घाट के पास। यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को नेचुरल। अच्छा भाई, क्या व्यू है यहाँ से। तो यहाँ बीच में भगवान शिव जी की पूजा हो रही है। पूजा पाठ कर लो बिंदास। देखो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, बोट को यहाँ पे रोक दिया गया है। देखो भैया सभी लोग यहाँ पे देखो पानी पी रहे हैं, इतनी साफ पानी है, देखो पानी पी रहे हैं। पूरा देखो इंडिया का मैप, ड्रोन कैमरे से फोटो निकाला ऊपर से। कहाँ पर? रामजी बर्मन द्वारा निर्मित भारत का नक्शा देखो। हमारे साथ हिंदू भाई जिन्होंने ये बताया है। देखो भैया सामने जो होटल, वो जम्मू कश्मीर, बीच में निकला पत्थर, एमपी और श्रीलंका में देखो सभी खड़े हैं, है ना। अच्छा भाई जोक सपाट भी चल रहा है। सुसाइड पॉइंट, ये ऊंचा वाला पहाड़ सबके लिए रही है, कॉलेज में लड़का लड़की फैल यहाँ से पास। तो गाइस यहाँ पे लड़का लड़की लेके सुसाइड पॉइंट है, भाई साहब बोल रहे हैं। जो घर में बीवी से परेशान वो धुआंधार जाते हैं। अच्छा, जो अपनी बीवी को ले जाते रेलिंग के बाहर खड़ा करते, बोलते थोड़ा पीछे जाइए जी अच्छा फोटो आएगा, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, बीवी डायरेक्ट नीचे। तो सुसाइड पॉइंट है। अरे ऐसा नहीं करना आप लोग, यहाँ पे करके देखा कुछ लोगों ने, उनकी बीवियों से तैरते बनता था। अच्छा, बीवी बच गई, बहुत मारती अभी बेलन तो कभी झाड़ू। तो भाई यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि अभी जिस पॉइंट पे हम लोग हैं 300 फीट या 350 फीट गहरा है जिस पॉइंट पे अभी हम लोग हैं, यानी पूरे एकदम मिडिल में मार्बल रॉक्स के। अभी नाव सवारी जा रही है भाई, काफी मजा आ रहा है यहाँ पर। तो हमारी सफर तो यहाँ पे खत्म हो रही है और उनकी सफर शुरू हो रही है। तो रहा मार्बल रॉक्स, ब्लू मार्बल रॉक्स, पास से जाके दिखाता हूँ आपको। इस बारिश के टाइम में ना ये पानी और ज्यादा ऊंची हो जाती है, तो हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर जाते हैं ना, तो भाई साहब और थोड़ा अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि पानी का जो सरफेस है और ज्यादा ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पे शूटिंग भी हुई है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रेखा और अमिताभ बच्चन ये सब लोग भी आए हैं शूटिंग करने के लिए, तो कुछ स्पॉट्स इन्होंने दिखाया है। तो काफी मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, एक एडवेंचर टाइप का फील हुआ यहाँ पर आने के बाद। कि ये जो बोटिंग है 4 महीने बंद रहती है, यानी 15 जून के बाद से बंद हो जाती है और डायरेक्ट 4 महीने बाद खुलती है, क्योंकि उस समय एमपी में बारिश का मौसम रहता है, जिसके चलते यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नदी ऊंची हो जाती है, तो काफ़ी डेंजर होता है। देखो भाई साहब लोग जंप करेंगे इतने ऊंचे पहाड़ से, यानी रॉक से। ओ भाई जंप किया गया, अभी जितने लोग हैं सब जंप करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग की बोटिंग खत्म हो गई और आपने देखा कि मार्बल रॉक्स कितना अच्छा लग रहा था, मतलब मजा आ रहा था ना अंदर, बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ, और मोहन जोदाड़ो जो ऋतिक रोशन की मूवी है ना शूटिंग हुई थी, उसके बाद रेखा और कौन कौन थे, रेखा अमिताभ बच्चन ये सब की शूटिंग भी हुई है, अमनदीप की भी शूटिंग, मेरी भी शूटिंग हो रही है अभी, जो कि आप लोग आने वाले टाइम में देखोगे। तो फिलहाल काफी मजा आया, तो आप आते हो जबलपुर तो जरूर आना यहाँ पे मार्बल रॉक्स, पंचवटी, फिर धुआंधार फॉल्स और 64 योगिनी मंदिर। फैंस तो काफी मजा आया भाई, काफी मजा आया, पैसा वसूल हो गया। तो चलते हैं, और यहाँ पे डीजे उजे लगी हुई है और यहाँ पे नाइट बोटिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो लाइट्स भी लगी है जो कि रात को होती है। भाई लोग कर रहे हैं देखो, सब प्रोफेशनल स्विमर है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ लोग है जो वहाँ से जंप कर रहे हैं देखो वहाँ पे, और यहाँ पे देखो पानी झरने नुमा गिर रही है, वहाँ कम गहरी है लेकिन वहाँ पे बहुत, वहाँ पे 5 फीट गहरी है लेकिन वहाँ पे 80 फीट, और जहाँ हम लोग गए थे ना वहाँ पे 300 फीट गहरी थी। तो फिलहाल गाइस फाइनली हम लोग पंचवटी से बाहर आ गए हैं और सफ़र यहाँ पे पूरा होता है। तो जबलपुर के एक और डेस्टिनेशन पे हमने घूमा और काफ़ी मज़ा आया, तो आप लोग भी इस जगह पे आओ घूमो। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में पहली बार हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से एक नए मज़ेदार जगह के साथ, मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसलिए मैं ब्लॉग को जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं तो बस छूट गई तो ट्रेन भी छूट जाएगी।